स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री रामलीला मंचन का आज शुभारंभ इस वक्त होने जा रहा है। इस वक्त हम मंदिर मनोकामना के मैदान में उपस्थित हैं, जहां पर श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब एवं श्री सनातन धर्म सभा के सौजन्य से कलाकारों वाली रामलीला यानी रामलीला का मंचन आज आरंभ होने जा रहा है। शुभारंभ की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। मंत्रोच्चारण के साथ सभी गणमान्य लोग, दोनों सभाओं के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला दिन दरबार भी सजा हुआ, भगवान शिव बैठे हुए हैं और सभा सनातन धर्म सभा के प्रधान सुधीर जंगू, शिव शक्ति रामलीला क्लब के प्रधान धर्मपाल सैनी, भगीरथ राम सैनी डायरेक्टर, साथ ही अन्य पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। ये देखते हैं एक बार दृश्य। हर हर नमस्कार। भाग्यशाली है कि प्रभु राम जी के लीला के मंचन में प्रथम दिवस पे आप पधारे हैं। मैं पूरी क्लब की ओर से और सभा की ओर से आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। शुभारंभ की कार्रवाई चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, पूर्व सरपंच राजकुमार राणा श्रीमती शालिनी शर्मा और एवं अन्य गणमान्य लोग यहां पर पधारे हैं शर्मा, और हमारे इस शहर के पूर्व में रहे सरपंच हमारे राजकुमार राणा जी, हमारे प्रीतम जी जो कि दो बार एमसी रहे हैं, और उनके साथ ही हमारे प्रदीप वर्मा जो कालू वर्मा जी के नाम से मशहूर हैं, वो भी हमारे बीच हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। उसके साथ ही हमारे बीच हमारे अंकित अग्रवाल जी पधारे हैं, उनका भी हम यहाँ आने में स्वागत करते हैं। हमारे गोपाल जी जो एमसी हैं वो पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी का जो भी हमारे बीच आज आए हैं, हम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब सरजीवन जी एमसी साहब जरा ऊपर आइएगा, हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनके साथ जितने भी हमारे कुर्सियों पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, हम सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। क्योंकि प्रभु राम काज में जो भी जरा सा भी हिस्सा डालता है, जो घर से चल के यहाँ तक आता है, उसको फल मिलता है, ये रामायण में लिखा है। तो आप सभी पे प्रभु राम जी की कृपा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम निवेदन करूंगा हमारे शालिनी शर्मा जी को कि वो एक औपचारिकता दिनेश अग्रवाल जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। दिनेश अग्रवाल जी मैं शालिनी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस ओपनिंग सेरेमनी को अपने शुभ हाथों से करें। विकास करेंगे, कृपया वो भी स्टेज पे आए। विकास करेंगे, देखिए अगर कोई मेरे से भूल चूक हो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का जो यहाँ आए। अगर मेरे मुंह से किसी का नाम छूट गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का कार्य है, आप सभी के सहयोग से आप
की उपस्थिति से ये कार्य संपन्न होता है। प्रभु भक्तों के बिना प्रभु का कोई कार्य भी संपन्न नहीं होता। मैं अपने सभा मेंबरों को निवेदन करूंगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे पास स्वागत करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि इस काल में, इस राम काल में इन सभी महानुभावों का बढ़ चढ़ के सहयोग होता है। हमारे बीच हमारे मैडम ठकुराल जी वो भी पुधारी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में इन सभी सज्जनों को हम जब भी हम बुलाते हैं, ये पूरी श्रद्धा से पूरे तन मन धन के सहयोग से हमारे किसी भी कार्य में सहयोग करते हैं हम इनका सभी का इस कार्य के लिए। प्रधान धर्मपाल सैनी जी से और श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान जम्मू शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे बीच पधारे हुए हमारे राजकुमार राणा जी, प्रीतम जी और अन्य सभी से जो ज्योति प्रज्वलित करवाएं, क्योंकि ये भी एक औपचारिकता है किसी भी कार्य को करने के लिए। सबसे पहले ज्योति को नमन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्योति ही संसार में समाई हुई है, ज्योति से ही सब कुछ चल रहा है। इंसान के अंदर जब तक ये ज्योति है तब तक वो जिंदा है। जिस दिन ज्योति बुझ जाती है उस दिन नश्वर शरीर हो जाता है। ब्रह्मांड में भी जब तक ज्योति है तो रोशनी है, जब सूर्य छप जाता है तो अंधकार आ जाता है। इसलिए हम सभी ज्योति को नमन करते हैं, उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, ताकि इस संसार में, इस कस्बे में, आप सभी पे अब आपके बीच एक छोटा सा बच्चा कहाँ करेगा कि आप स्टेज पे आइएगा और आप अपने हाथों से शुभारंभ कीजिएगा। वो आए हम उनसे निवेदन करते हैं, उन्हीं के साथ हमारे रमेश जी वो भी स्टेज पे आए, उनसे भी हमने निवेदन किया था। इन दोनों महानुभावों से हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, ये आए इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही आप सभी जो जो स्टेज पे आए हम सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे निमंत्रण पर आए हैं, आपका हम सादर नमन करते हैं, आप सभी को आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। हेलो, जो रामलाभ कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने या हमारे पंडित बद्री प्रसाद जी, शक्ति प्रसाद जी, उन्होंने रामलीला चलाई थी, उन सबका धन्यवाद याद करता हूँ। मैं सबसे यही कहूँगा उनके चरण चिन्हों पर चलकर इस रामलीला को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर इस काम करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र की, महावीर हनुमान की। सबसे पहले तो मैं अपने जो सनातन धर्म सभा के जो ये सदस्य और हमारे शिव शक्ति क्लब के रामलीला के मेंबर जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है और धन्यवाद है। मैं इस लायक आपने मेरे को समझा है और मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस संख्या में लोग आए हैं आगे हमारी और भी ज्यादा संख्या में आए, मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि जो यहाँ पे सुन रहे हैं और जो अपने साथ आए हैं और भी सबको अपने साथ लेके आए, क्योंकि राम जी का आशीर्वाद
इसी इच्छा और कामना से हमारे शहर में ये रामलीला का आयोजन होने जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने इंद्रसेन वर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज अगर शिव शक्ति रामलीला क्लब प्रभु जी का मंचन कर रहा है तो ये केवल वर्मा जी और उनके परिवार की देन है। मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई कि ऐसा लग रहा था कि ये मंचन शायद सढ़ौरा में बंद हो जाए, लेकिन वर्मा जी की वो बात आज भी मुझे याद है। वो कहा करते थे, अगर मेरे पास एक भगत भी प्रभु जी की लीला देखने आएगा तो ये लीला ऐसे ही चलती रहेगी। और अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे भागीरथ राम जी को और हमारे सभा सदस्यों को ये बात कही थी कि देखिए मेरा तो कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो बीमार थे, लेकिन ये लीला बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब का नाम ऐसे ही चलना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना है कि हमारे श्री माननीय इंद्रसेन वर्मा जी को अपने चरणों में स्थान दें और वो जहां भी हो प्रभु राम जी की कृपा उन पे बरसे और उन सभी के कृपा इन परिवार पे बरसे। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी इच्छा है, प्रभु जी के चरणों में निवेदन है। इस साल से पहले हमारे बीच हमारे आदरणीय वर्मा जी के सपुत्र सतपाल वर्मा जी बीमारी के कारण वो हमें छोड़ के चले गए थे, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी स्टेज के इतने अच्छे एक्टर, कॉमेडी एक्टर, जैसे ही वो स्टेज पे आते लोग हंसना शुरू कर देते। देखिए हंसाना किसी को बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके आने से ही हंसना शुरू हो जाते थे। तो वो हमारे बीच नहीं है, हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके उनको भी अपने चरणों में स्थान दें। उसके बाद इस वर्ष हमारे बीच दो हमारे ऐसे कलाकार जिनको हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। एक तो हमारे हैं प्रदीप सैनी जी और एक उनके कमल सैनी जी, छोटे भाई। ये दोनों अचानक ही हमें छोड़ के चले गए। इसकी क्षति कभी इस स्टेज के लिए, इस सभा के लिए, इस क्लब के लिए पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम विवश हैं। भगवान के आगे सभी विवश होते हैं, क्योंकि किसी का इस मृत्यु पर कोई जोर नहीं है। तो हम उनके लिए भी, दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी वो अपने चरणों में स्थान दें और वो जहां भी हो वो देख रहे होंगे। और हम भगवान के चरणों में नमन करके ये बात कह रहे हैं कि जो ज्योति वो जलाते गए थे, प्रयास होगा इन एक्टरों द्वारा कि ऐसे ही जलती रहे, प्रभु नाम राम जी का नाम ऐसे ही चलता रहे, किसी प्रकार से जय जयकार होता रहे और इस नगर पर, इस इलाके पर, इस शहर पर, हमारे देश पर प्रभु राम जी की कृपा बरसती रहे। आरंभ की कार्रवाई हो चुकी है। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, राजकुमार राणा, प्रदीप वर्मा, अंकित अग्रवाल आदि के द्वारा शुभारंभ किया जा चुका। चलिए तो पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं दृश्य। पर्दे के पीछे की कार्रवाई आप देख सकते हैं, कलाकार तैयार हैं। शिव शंकर के रूप में हमारे गौतम जी। गौतम जी बहुत बहुत मुबारक हैं, शिव भगवान भोले की कृपा आप पर हुई और आप भोले के रोल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारे डायरेक्टर साहब ने और वीरेन अंकल ने हमें देखा, हमारी वो करी प्रैक्टिस करवाई और आज परमात्मा की कृपा से, शंकर जी की कृपा से उनका एक पात्र मैं छोटा सा करने जा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई, अच्छा लगेगा हमें, बहुत बढ़िया। और इधर विष्णु अवतार में भी देख सकते हैं आप कलाकार तैयार हैं। इधर नर्तकी के रूप में भी यहाँ पर और भी बहुत से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। बीच में झांकियाँ भी प्रस्तुत। हाँ जी, आपका बहुत स्वागत है। तो आज किस चीज़ की झांकी दिखाएंगे आप? हम शंकर पार्वती जी का रूप धारण करेंगे जी, वीरेंद्र जी की तरफ से। हमारे वीरेंद्र जी डायरेक्टर हैं जो हमें हर साल सेवा
का मौका देते हैं जी। 5 साल से रामलीला में सेवा का मौका मिल रहा है। सढ़ौरे से तो आपका लगाव हो गया, वर्षों से आप आ रहे हैं, बच्चा बच्चा आपको जानता है जी। बहुत ज्यादा जी, सब सढ़ौरे वालों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी। चलिए देख सकते हैं आप विशेष कलाकार हैं और भी कलाकार। ये हाँ जी, तो आज वीरेन जी किस भूमिका में, पहले दिन ही? पहला दिन है और पहले दिन ही राम नाटक का आरंभ किया जाता है नारद मोह के नाम से। जी जी जी। जिसमें दिखाया जाता है कि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त तो कर लेता है परंतु अभिमान ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति का नाश करने के लिए तैयार रहता है, और तो भगवान अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते। जी जी जी। तो जैसे ही नारद का अभिमान हुआ, भगवान विष्णु ने उनका अभिमान नष्ट करवाने के लिए एक लीला रची, वही लीला का प्रदर्शन आज किया जाए। जी जी। तो मेकअप मैन की भूमिका में भी रहे होंगे आज पहले दिन? ये तो सब पता है आपको। वाह जी वाह। साथ में मेरे कणम कुमार जी होते हैं। अच्छा, कुणाल जी भी सहायता करते हैं? वो करते हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेंगे। हाँ, कुणाल जी आर्टिस्ट भी हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो बीच में भूमिका में हैं तो आप देख सकते हैं, और हमारे संजय जी हैं पार्वती के रोल में, देख सकते हैं आप। और देखिए कलाकार तैयार हैं पूरे आज पहले दिन ही तहलका मचाने के लिए, एक नया रूप। तो वीरेन जी बताइए किस स्वरूप, ये किस चीज का स्वरूप है? भगवान विष्णु का विराट रूप जी। ये पहली बार ये स्वरूप दिखाया? पहली बार किसी रामलीला में पहली बार दिखाया जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ऑल इंडिया का मेरा दावा है किसी रामलीला में अभी तक विराट रूप में नहीं दिखाया गया आरती के लिए। मैंने आपसे जो वादा किया था मेरा सामान आने लग रहा है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसमें सफल हुआ? बिल्कुल सफल है जी, 100% सफल है। भगवान विष्णु जी के लोग दर्शन करेंगे, आरती देखेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah.
जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारी सभा के मेंबर भी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नगर की चेयरमैन शालिनी शर्मा जी से, वो भी कृपया मंच पे आए और प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं निवेदन करूंगा डेजी शर्मा और संगीता ठकुराल जी को। ताली का साथ जरूर दीजिएगा। प्रीतम राणा जी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये दो बार इस नगर के एमसी रह चुके हैं और हर धार्मिक कार्य में सहयोग करते हैं। हमारे तो जरा से बुलाए भी ये जो हैं, ये इनकी मैंने महिमा देखी है, कोई भी कार्यक्रम हो गणपति उत्सव में। इधर 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 सर जीवन जी और सजय जी शहर की सेवा तो कर ही रहे हैं, हमें भी हमेशा इन पे गर्व है। हमारे सजय जी ने जब हम इनकी दुकान पे गए तब भी इन्होंने हमें बहुत सी धनराशि दी और 1100 रुपए और हमारे सजल जी प्रभु चरणों में भेंट कर रहे हैं और प्रभु राम जी का चित्र आशीर्वाद रूप में प्राप्त करें। वैसे तो हमें इनका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन प्रभु राम जी तो सर्वप्रिय हैं। रिश्तेदारों को कराइएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, अपने संबंधियों को बताइएगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, फिर आपको प्रभु राम जी की पूरी लीला देखने को मिलेगी घर बैठे। लेकिन जो हमारे शहर के हैं वो इस बात पर डिपेंड ना करें, वो दिन में देखें प्रभु सतपाल जी की। और हमारे हर वर्ष की तरह एक सढ़ौरा रामलीला जो हमारे सामने बैठे हैं, ये पूरी लीला लाइव टेलीकास्ट करते हैं विदेशों विजेता जी और उनकी टीम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। अभी आप कुछ दिनों में उनकी कलाकारी भी देखेंगे, उनके शिष्यों की कलाकारी देखेंगे। आप सभी स्टेज पे आए, मैं आप सभी का बार बार अभिनंदन स्वागत करता हूँ और भगवान राम जी से प्रार्थना करता हूँ। भगवान भोला जी और पार्वती के बीच का संवाद है ये, जब माँ पार्वती भोले से भगवान श्री राम जी की महिमा का सुनने का आग्रह कर रही हैं, तो अब वो उनको भगवान श्री राम जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आओ नारायण 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 नारायण।
चारों तरफ मंद गति से बहती हुई पवन मन को एकाग्रता दे रही है। हृदय में प्रभु प्रेमामृत का सिंचन कर रही है। फूलों के शनांत रथ में नशीली आत्मा को तृप्त कर रही है। ऐसी परम पावन स्थान पर कुछ समय तक प्रभु का ध्यान करके